भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ महानगर के नए कार्यकारिणी के गठन के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय होटल में व्यापार प्रकोष्ठ के नए कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक रितेश जायसवाल द्वारा पदाधिकारियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके संबंध में महानगर संयोजक रितेश जायसवाल ने बताया कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करते हुए पार्टी के कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को स्थानीय व्यापारियों के बीच ले जाने का कार्य करेंगे और प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनाएंगे। इस मौके पर बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर संयोजक रितेश जायसवाल ने कहा, बिट्टू का ये जो कार्यक्रम बताते हैं आपका आगामी बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर जिला कार्य समिति की बैठक है 15/9/2021 को, समय 2 बजे क्षेत्रीय कार्यालय बेनीगंज में होना सुनिश्चित हुआ है। उस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर सुनिश्चित हुआ है, जिसमें 71 जवान और किसान भाइयों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों का सम्मान रखने का लिए किए गए कार्य, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सरकार के गठन के 14 दिन के अंदर किसानों के ऋण माफ किए गए मूल्य, गन्ना किसानों के बिलों का भुगतान नियत समय पर है और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा गोरखपुर। जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला गोरखपुर की का समिति की प्रथम बैठक करनी है 15/9/2021 को। इस संदर्भ में प्रदेश के किसान मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं, जो जिले गोरखपुर में जिला में निवास करते हैं उनको रहना है, और जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं जिले में जो निवास करते हैं उनको रहना है किसान मोर्चा का, और जिले के पदाधिकारी किसान मोर्चा के और मंडल पदाधिकारियों को एक बैठक करनी है। सरकार पार्टी संगठन के द्वारा जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहा है उसी के रूपरेखा तैयार किया जाएगा, आगे की कार्यक्रम कैसे किया जाए यही हमारी मुख्य है। और 17/9/2021 को प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 71 जवान और किसान को सम्मानित किया जाएगा, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करना है उस दिन बैठक में।